मेरा 2015 में मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैं काफ़ी देर मंजे पर रहा, चलने फिरने की बहुत प्रॉब्लम होने हो गई थी मेरे को। तो फिर धीरे धीरे मैंने वहाँ पे हॉस्पिटल है जम्मू में, वहाँ पे टांग लगाई है, पर वो टांग इतनी सेट नहीं बैठी क्योंकि उसके लाभ खुल जाते हैं बार बार, उससे गिर गिर के मेरी गर्दन हड्डी एक बार टूट गई है। फिर यहाँ से एक लड़के गाजियाबाद की रहने वाला, उसने टांग लगाई, उसने मेरे को बताया, वो वहाँ जम्मू कश्मीर घूमने गया था, उसने कहा यहाँ फ्री टांग लगती है और अच्छी टांग लगती है, इसलिए मैं यहाँ पर आया। मैं पहले गाड़ी के साथ कंडक्टर था, अभी घर में ही, घर का गुजारा जो है मेरी मिसेज है वो लोगों के घर काम करती है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता जी हैं और बड़ा भाई है, उसकी डेथ हो गई है तो अब मैं अकेला हूँ घर। तो आज मैंने मेरा ये टांग लगा दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा अनुभव हो रहा है कि ज़िंदगी को आगे जी सकूँगा। आदमी एक बार जब कोई हादसा हो, दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो वो सोचता कि अब ज़िंदगी ख़त्म है, पर मैंने यहाँ पे आके देखा है कि यहाँ लोगों को दोबारा खड़ा किया जाता है ताकि वो किसी से कम ना समझे। ये जो पैर लगाया बहुत अच्छा पैर है, हल्का फुल्का पैर है, इसमें चलने में कोई दिक्कत नहीं है, और पहले बहुत परेशानी थी पर ये हल्की टांग है और पैर बहुत हल्का है, इसलिए अब अच्छा महसूस हो रहा है। मैं अब जिसकी कोई टांग कटी हो या बाजू कटी हो कटा हो, मैं उसके घर में जाता हूँ, फिर मैं उनको इस हॉस्पिटल के बारे में बताता हूँ कि हाँ भाई ये सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है, वहाँ जा कर अपना इलाज कराएं और बदहाल की ज़िंदगी जीना छोड़ें, अपनी लाइफ जी। तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देश ऐसे लोगों की वजह से चल रहा है जिन्होंने सोचा है कि हाँ भाई हमने एक ये जो टांग कट गए, ऐसे हमारे जैसे लोग लाचार हैं, इसलिए हम उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। भगवान उनको दिन रात तरक्की दे जिन्होंने हमारे लिए ये व्यवस्था की है।